नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम कुमार सिंह। पूरे देश में होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। पटना में जो राजनीतिक घराने हैं वहां भी होली मनाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी अपने आवास पर होली मना रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, तेज प्रताप यादव किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के साथ होली मना रहे हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तेज प्रताप यादव के आवास से। आपको बताते हैं कि लालू परिवार पटना में नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव पटना में ही हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ होली मना रहे हैं। लालू परिवार होली के एक दिन पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। मीसा भारती, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, पूरे परिवार दिल्ली में है। तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी का जन्मदिन है, इसके उपलक्ष में वो लोग दिल्ली में ही रहेंगे। इस बार के होली दिल्ली में मनाएंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पटना में हैं और अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ होली मना रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाएं किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के साथ अबीर गुलाल लगा रहे हैं और वो जो पारंपरिक होली गीत है वो भी गाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरें में देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव पारंपरिक जो होली का गीत है वो गा रहे हैं। वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा है कि होली का सभी बिहारवासियों को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वहीं उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दिया है। वहीं नीतीश कुमार के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सभी को होली के शुभकामनाएँ देते हैं, लेकिन उन्होंने जो पॉलिटिकल सवाल था उससे बचते हुए नजर आए और कहा कि पॉलिटिकल सवाल आज हम सवाल पर जवाब नहीं देंगे। वहीं उन्होंने सम्राट चौधरी पर कहा कि सम्राट चौधरी पर हम ध्यान नहीं देते हैं। क्या कुछ कहना है तेज प्रताप यादव का, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। और खासकर मीडिया के, पूरे बिहार के जितने भी हैं, पटना के सभी मीडिया, तमाम लोगों में होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं देने का काम करता हूँ। और बिहार के लोगों को और देश के लोगों को, सभी लोगों को मैं होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं देने का काम करता हूँ। और पूरे भाईचारे के साथ इस महान पर्व को मनाने का काम करेंगे, यही चुनाव भी है। और चुनाव अभी अपने जगह पे है, लेकिन अभी त्यौहार मना रहे हैं सभी लोगों के साथ, सभी छात्र के, सभी अपने संगठन के लोग, सब लोग जुट हैं और यहाँ पे इस पावन पर्व को हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, लोग ठंडा ही पी रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। तो जो हमारे पिताजी की जो परंपरा रही है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपकी होली एकदम अलग होती है तेज प्रताप जी, पूरे मतलब नेताओं में कहा जाता है सबसे अलग दिखती है होली आपकी। हाँ, होली तो हमारा यूनिक रहना चाहिए, कुछ तो आदमी का अलग होना चाहिए, तो डिफरेंट रहता है। तो साल में एक बार आता है जिसको लोग एकजुट होकर के प्रेम भाव से इसको मनाने का लोग काम करते हैं। नीतीश कुमार को रंग लगाना चाहेंगे? सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं हैं, सभी लोगों को, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और जिनके पास नहीं पहुँच रहा हूँ मैं, तो मैं उनको यहीं से प्रणाम करता हूँ होली की ढेर सारी लोकसभा चुनाव को लेकर 40 सीट। अब पॉलिटिकल बात अभी हम नहीं कर पाए, लेकिन तेज प्रताप जी होली का त्यौहार है और होली में, तेज प्रताप जी होली में भी तो सियासत हो ही रही है। सम्राट चौधरी लगातार बयान देते हैं पिताजी को लेकर, अब वो क्या देते नहीं देते हम उन पर नहीं जाना चाहते। होली है, होली में हमारे दिमाग में एक ही बात है कि नौजवानों को रोजगार मिले बस। ठीक है।